हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझाने वाली हूँ। आज मैं आपको समझाऊंगी कि पुरुषों के शरीर में एक दिन में कितने शुक्राणु बनते हैं। इस विषय को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में दुविधा होती है, कन्फ्यूज़न होती है कि पुरुषों के शरीर में कितने शुक्राणु बनते हैं, हर रोज़ कितने बनते हैं। तो इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगी कि एक स्वस्थ पुरुष के शरीर में एक दिन में कितने शुक्राणु बनते हैं। और अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, पूरी देखनी पड़ेगी। आधी वीडियो देखकर आप कुछ भी समझ नहीं सकते हो, इसीलिए बिना वीडियो को स्किप करें एंड तक देखना, जिससे कि आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। बीच में छोड़ोगे, स्किप करके देखोगे तो आपका नुकसान होगा, आपको पूरी बात समझ में नहीं आ पाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि ये माजरा क्या है। एक पुरुष के शरीर में, एक हेल्दी पुरुष जो कि स्वस्थ है बिल्कुल, उसके शरीर में हर रोज प्रतिदिन कितने शुक्राणु उसके शरीर में बनते हैं। तो देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है कि किसी भी पुरुष के शरीर में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया होती है। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूस, यानी कि जो पुरुष होते हैं उनके शरीर में जो शुक्राणु यानी कि जो स्पर्म बनते हैं वो सतत यानी कि कंटिन्यूस लगातार बिना रुके बिना थके कभी भी रुकते नहीं हैं, लगातार जो स्पर्म होते हैं वो बनते रहते हैं। अब स्पर्म कहाँ बनते हैं? स्पर्म पुरुषों के टेस्टिकल्स में बनते हैं। टेस्टिकल्स जो कि आपके शरीर के बाहर होता है, आपके एब्डोमेन के बाहर होता है। वो बाहर क्यों होता है? क्योंकि टेस्टिकल्स के अंदर शुक्राणु बनते हैं और शुक्राणु को बनने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है, आपके शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसीलिए आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं यानी कि जो पुरुषों के टेस्टिकल्स होते हैं वो उनके शरीर से, उनके एब्डोमेन से बाहर होते हैं। तो वहाँ पे क्या बनता है? आपका स्पर्म बनता है। आपको पता होगा स्पर्म कितना इंपॉर्टेंट होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। स्पर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना उसके ना प्रेगनेंसी हो सकती है ना फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो आपको पता चल गया होगा शुक्राणु एक सतत प्रक्रिया है, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है, लगातार शुक्राणु बनता रहता है। आगे लिखा हुआ है कि एक दिन में स्पर्म कितना बनता है यह पुरुष के स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है। देखो, वैसे तो मैं आपको बताऊंगी कि एक दिन में कितना स्पर्म बनता है, कितने शुक्राणु बनते हैं, बट सबके शरीर में फिक्स अमाउंट ऑफ स्पर्म नहीं बनते हैं। ये उनके स्वास्थ्य पर भी निर्भर होता है। अगर आप अच्छा खान पान है, आपका अच्छी लाइफस्टाइल है, तो आपके शरीर में अच्छा स्पर्म बनेगा। जिनका खान पान अच्छा नहीं है उनके शरीर में उतना अच्छा स्पर्म काउंट नहीं होगा, उनको लो स्पर्म काउंट की समस्या भी होगी। लेकिन मैं आपको अप्रॉक्स बताऊंगी कि अगर आप हेल्दी हो तो आपके शरीर में कितने शुक्राणु पर डे बनेंगे। अब देखो, आगे लिखा हुआ है कि शुक्राणु बनने की प्रक्रिया 11 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाती है। सबको पता है कि जब लड़के पैदा होते हैं तो शुरू से उनके टेस्टिकल्स में, उनके वृषण में शुक्राणु नहीं बनते। जब वो अपने प्यूबर्टी की एज में आते हैं, 11 वर्ष की उम्र में आते हैं, 11, 12, 13 वर्ष की उम्र में आते हैं, तो उसी टाइम उनके जो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट होती है। तब से उनकी बॉडी में स्पर्म बनने लगता है। लेकिन भले उस टाइम से उनके बॉडी में स्पर्म बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसी समय पिता बनने के लिए सक्षम हो चुके हैं। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, एक तो फिजिकली आप रेडी नहीं हो, मेंटली आप रेडी नहीं हो, फाइनेंशियली आप रेडी नहीं हो, उसके अलावा जो आपकी बॉडी होता है, जो आपका स्पर्म होता है, तो उस टाइम पिता बनना संभव इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि उस समय जो शुक्राणु होते हैं वो बहुत ही लो होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। जब आप 17-18 की उम्र को पार करते हो तो उस टाइम आपके शुक्राणु बनने की प्रक्रिया बहुत तेज़ी आती है और उस टाइम पे आपका जो शुक्राणु होता है वो बहुत ही ज़्यादा भर भर कर प्रोड्यूस होता है। उस टाइम पे जो आपका स्पर्म काउंट होता है वो बहुत हाई होता है। जब आप अपने टीन एज में होते हो, 17, 18, 19, इन एज में जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही तेज होता है। तो देखो, आगे लिखा हुआ है कि 17-18 की उम्र में तेजी आ जाती है शुक्राणु बनने की प्रक्रिया में। आगे देखो, लिखा हुआ है कि एक शुक्राणु को बनने में तकरीबन 2.5 महीने यानी 72 दिन का समय लगता है। अब देखो, आपको ये बात समझने की बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि एक शुक्राणु को बनने में 72 दिन लगते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि एक शुक्राणु को बनने में 72 दिन लगते हैं, जब हम इजैकुलेट करते हैं तो करोड़ों शुक्राणु बाहर आते हैं। अब बताओ करोड़ों शुक्राणु कितने दिन में बने होंगे? देखो, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताती हूँ माजरा क्या है, बहुत ही ध्यान से सुनना। कह रहा है कि देखो, एक शुक्राणु को बनने में तकरीबन 2.5 महीने यानी कि 72 दिन का समय लगता है, जबकि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हर सेकेंड 1500 शुक्राणु बनते हैं। अगर आप स्वस्थ हो, बिल्कुल हृष्ट पुष्ट हो, तो आपके शरीर में हर सेकेंड कितने शुक्राणु बनेंगे? 1500 शुक्राणु बनेंगे। अब आप कहोगे, मैम आप एक ही टाइम पे दो बात कैसे कह रहे हो? एक बार कह रहे हो कि एक शुक्राणु को बनने में 72 दिन का समय लगेगा और एक बार कह रहे हो कि आपके शरीर में हर सेकंड 1500 शुक्राणु बनेंगे, तो कौन सी बात सही है? अब देखो, मैं आपको बताती हूँ। जैसे क्या होता है,
एक बच्चे को बनने में, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको कंप्लीट बनने में 9 महीने का समय लगता है, जबकि हर महीने, हर सेकंड, हर दिन कितने सारे बच्चे पैदा होते हैं। देखो जैसे मान लो आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे कितने सारे बच्चे पैदा हुए होंगे, लेकिन इन सभी बच्चों को बनने में कितने दिनों का समय लगा होगा? 9 महीने का समय लगा होगा। वैसे ही आपका जो शुक्राणु होता है ना, शुरू जीरो से लेकर पूरा कंप्लीट प्रोसेस होने में, शुक्राणु को बिल्कुल मैच्योर होने में कितने दिन का समय लगता है? 72 दिन। 72 डेज में एक स्पर्म बिल्कुल मैच्योर अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आपके टेस्टिकल्स में जहाँ स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, तो खाली एक मदर नहीं है स्पर्म को प्रोड्यूस करने वाली, बहुत सारी मदर सेल्स है। अब बहुत सारी मदर सेल्स लगातार काम पे लगी हुई हैं, सबकी जो मदर सेल्स है वहाँ पे सब अपने अपने एक एक शुक्राणु को 72 दिन में पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, और एक ही टाइम पे सबका टाइम आ जाता है, और हर सेकंड कितने शुक्राणु प्रोड्यूस हो जाते हैं? 1500 शुक्राणु प्रोड्यूस हो जाते हैं। मुझे लगता है अगर आप इस एग्जांपल से समझोगे कि एक बच्चे को बनने में 9 महीने का समय लगता है, जबकि हर सेकंड कितने सारे बच्चे पैदा होते हैं, सेम वैसे ही एक शुक्राणु को बनने में 72 दिन का समय लगता है, लेकिन हर सेकंड 1500 शुक्राणु पैदा होते हैं अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हो तब। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक सेकंड में कितने शुक्राणु पैदा होते हैं? 1500 शुक्राणु पैदा होते हैं। अब देखो एक दिन में कितने प्रोड्यूस होंगे, तो देखो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? तो 86,400 सेकंड्स होते हैं 24 घंटे में। ठीक है, अब देखो अब 86,400 को जब आप 1500 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या नंबर आएगा? तब आपका आएगा 12,96,00,000, यानी कि 12,96,00,000 स्पर्म आपके शरीर में प्रतिदिन बन रहे हैं, डेली बन रहे हैं। आप सोचो एक दो स्पर्म नहीं बन रहा आपके शरीर में, 12,96,00,000 स्पर्म आपके शरीर में हर रोज प्रतिदिन डेली का डेली बन रहा है। अब इतने सारे जो स्पर्म बन रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? अगर देखो आप किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो तो आपका स्पर्म वहाँ पर इजैकुलेट हो जाएगा। अगर कहीं पार्टिसिपेट आप नहीं करते हो तो क्या होगा? तो या तो नाइटफॉल हो जाएगा। अगर नाइटफॉल भी नहीं होता है जिन लोगों, देखो अगर, क्योंकि देखो कितने स्पर्म बन रहे हैं, 12,96,00,000 स्पर्म बन रहे हैं ना, अब आपको पता होगा जो मेल का जो शरीर होता है, जो पुरुषों का शरीर होता है, उनके पास स्टोरेज की जगह नहीं होती कि वो 12,96,00,000 स्पर्म को हर डे स्टोर करते रहे, तो उनके पास स्टोरेज की क्षमता खत्म हो जाती है, स्टोर तो वो कर नहीं सकते। तो कहीं पार्टिसिपेट कर रहे होगे किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में तो वहाँ से निकल जाएगा, कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो नाइटफॉल में निकल जाएगा। बट बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि सबको नाइटफॉल नहीं होता, तो उनको नहीं होता जो लोग इस बारे में बिल्कुल कल्पना नहीं करते। तो उनमें क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं उनकी भी तो एक जिंदगी होती है, एक टाइम के बाद वो स्पर्म भी मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो आपकी बॉडी उनको वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेती है। लेकिन आप ये बात ध्यान रखना, हर डे, हर रोज, प्रतिदिन 12,96,00,000 स्पर्म प्रतिदिन आपके शरीर में बनते रहते हैं। अब देखो प्रेगनेंसी के लिए कितने स्पर्म चाहिए? बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि 12,96,00,000 स्पर्म तो बन रहा है, लेकिन मैम हमारे में इतना नहीं बनता, ठीक है, हमारे में थोड़ा सा कम बनता है, तो क्या हम, हमारा जो फ्यूचर होगा, क्या हमारा बेबी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। देखो क्या होता है कि जब आप इजैकुलेट करते हो तो पर ml जो आपका जो शुक्राणु बाहर निकलना चाहिए वो अप्रॉक्स 15 मिलियन, यानी कि 1.5 करोड़ निकलना चाहिए। अब देखो जब आप इजैकुलेट करते हो ना, जब आपका जो सीमेन होता है, जो वीर होता है, जब बाहर आता है, तो कम से कम 1.5 ml से लेकर 5 ml तक लोगों का जो सीमेन होता है वो बाहर आता है। सीमेन अलग होता है और स्पर्म अलग होता है। तो जो बाहर आता है ना, जो आपको वाइट वाइट लिक्विड दिखता है, वो क्या होता है? सीमेन होता है। तो जो वो सीमेन बाहर आया, उस सीमेन में पर ml कितने स्पर्म होने चाहिए? 15 मिलियन स्पर्म, यानी कि 1.5 करोड़ स्पर्म होने चाहिए। अब मान लो आपका 1.5 ml बाहर आया, 2.5 ml बाहर आया, 3 ml बाहर आया, तो वही हो गया ना 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। लेकिन देखो कितने बन रहे हैं, मतलब नॉर्मली एक हेल्दी इंसान के शरीर में 12,96,00,000 स्पर्म बन रहे हैं। तो आराम से क्या होगा, अगर आप स्वस्थ हो, अगर आपको लो स्पर्म काउंट की समस्या नहीं है, तो आराम से क्या होगा कि एक जो इंसान, हेल्दी इंसान जब इजैकुलेट करता है तो पर ml उसके सीमेन में 15 मिलियन क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं, जो कि अप्रॉक्स 1.5 करोड़ होते हैं। तो वो 1 ml तो इजैकुलेट करता नहीं है, 2 ml करता होगा, 3 ml करता होगा, 4 ml करता होगा, मैक्स टू मैक्स 5 ml करता होगा, 6 ml करता होगा। तो इस हिसाब से होता है। अब देखो इजैकुलेशन कितना करता है, मैंने वो बता दिया। एक बार जब कोई इजैकुलेट करता है कितने शुक्राणु होने चाहिए, मैंने वो भी बता दिया। और एक दिन में कितना बनता है, मैंने वो भी बता दिया। तो मुझे लगता है आज का जो पूरा
टॉपिक था, मैंने बिल्कुल डिटेल में एक एक बात समझा दी आपको। मुझे लगता है आपको आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी ऐसे और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक ज़रूर करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज़।